हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति ईमान और आप देख रहे हो मेरा चैनल ज्योति ईमान ब्लॉग्स। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं जो मेरे पास ज्वेलरी है आर्टिफिशियल। जैसे जगह तो भाई हम डाल ही नहीं सकते अपनी गोल्ड की ज्वेलरी, तो मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होना भी जरूरी है, क्योंकि कई एक तो आजकल ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल गया भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, और ये भाई सस्ती भी होती है। वो भी मेरे पास है कुछ कलेक्शन आप देख रहे हो, और ये मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि वैसे भी अब वेडिंग का सीजन चल रहा है तो मैं व्लॉग्स तो डेली चलते हैं, तो आज आपके साथ ये कलेक्शन शेयर करती हूँ, और सिर्फ और ये वीडियो होने वाली इसी पे। तो डोंट स्किप द वीडियो एंड प्लीज वॉच फुल वीडियो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। मोस्टली मैं जो भी भाई खरीदती हूँ ज्वेलरी, ये वाली जो आर्टिफिशियल है, एक तो कम रेंज देख के खरीदती हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी की रेंज में भाई खर्च करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि पैसे भाई इतने वेस्ट नहीं करने चाहिए। है तो आखिर मैं आर्टिफिशियली, पर ऐसी हो टिकाऊ सी लगे, अच्छी लगे, ये नहीं कि भाई लोकल सी चीज़ लगे। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने लास्ट ईयर अपने ननंद की शादी हुई थी कीर्ति की, जब मैंने इसको खरीदा था, और मेरा जो लहंगा था वो भी इसी तरह का ही था, मल्टीसी शेड में। और ज्यादातर मैं जो ज्वेलरी खरीदती हूँ ना, मैं कभी एक कलर को लेके नहीं खरीदती, क्योंकि भाई वो होती है फिर एक ही ड्रेस पे उस पर चल जाती है। लेकिन मैं खरीदती हूँ मोस्टली उस पर क्या बोलते हैं भाई, मल्टी कलर पे। तो ये देखो आप, ये है मेरी फर्स्ट। इसका कुछ लुक ऐसा रहेगा, इसको हम चोकर की तरह भी डाल सकते हैं ऐसे, और ये ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखो आप कैसी लग रही है आपको ये। ये मतलब सारी जो मेरे पास ज्वेलरी है ना, उनमें से फेवरेट ये है, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रेस पे चलती है, बहुत सारी। और इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स देखो, ये वाली इयररिंग्स है इस पे मल्टी शेड में, और इसके साथ ये कितना सुंदर मांग टीका भी है, मतलब सेम है। और कई बार ये होता है कि भाई हमें हैवी ज्वेलरी नहीं डालनी, थोड़ा फंक्शन है, तो ये इयररिंग्स भी मैंने कई ड्रेसों के साथ डाले हैं मल्टी कलर में, बहुत सारे सूटों पे चल जाते हैं। रेड, ग्रीन, येलो, ग्रीन है, मैं इसमें ब्लू है, मोस्टली उस पर चल जाती है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपनी सेकंड ज्वेलरी। सेकंड भी मैं हैगी मेरी गोल्डन कलर में, और ये ज्वेलरी आज की नहीं है, ये ज्वेलरी है काफी पुरानी मेरी, कम से कम इसको हो गए होंगे 4 साल। हाँ, ये मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, देखो ये है गोल्ड में, और इसका लुक बिल्कुल ऐसा आता है कि जैसे ये गोल्ड की है। और जब मैंने ये डाली थी ना अपने घर पे, डाली थी किसी की शादी थी, मेरे चाचा की लड़की की शादी, तब मेरे से चाची ने बोला भी था कि ये सोने का है या आर्टिफिशियल है, तो मेरी चाची ये आर्टिफिशियल है, तो उन्होंने भी मेरे से सेम ये वाला अपने लिए मंगवाया। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, मैं आपको फर्स्ट वाले की रेंज बता देती हूँ। ये शायद मुझे 800 या 850 का मिला था। मोस्टली मेरी जो ज्वेलरी है वो सारी की सारी 1000 से नीचे की ही है, तो बजट में दिखाएंगे आपको, ये नहीं कि भाई हाई रेट में। तो और एक ये मैंने लिया था 550 रुपये का, पर इसके साथ जो मांग टीका और इयररिंग्स है ना, वो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, मतलब ना की बराबर ये इसके इयररिंग्स है। और ये मांग टीका तो देखो, जैसे बच्चे को होया ना छोटे से, कोई नहीं आगे ना वो स्कूल में जाएगी तो उसके काम आ जाएगा। ये है 550 का, हो गई दो। तो आप भी अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो ऐसा कलर सोचा करो, ये नहीं कि हमें एक सूट पे ही डालनी है, ये सोचिए खरीदा करो कि हमें वो बाकी हमारी जो ड्रेस है, क्योंकि ज्वेलरी डेली डेली हर उस पर नहीं खरीदी जाती, कि हम बाकी उस पर भी खरीद लें। अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड कलेक्शन अपना, देखो ये भी है एक चोकर के उसमें, ये है बेबी पिंक कलर का। कई बार कहना चीज ये है कि मल्टी शेड में ना आके एक सिंगल आदि कलर में भी होनी चाहिए, पर ये अच्छा लगा था तो ले लिया। ये है चोकर स्टाइल में, देखो बिल्कुल गर्दन का ऐसे चिपक जाएगा, और इसके साथ है भाई इयररिंग्स। और इसमें जो ये मिरर है ना, आपको दिखाई दे रहे हो ये मिरर, ओरिजिनल वाले मिरर लगे हुए हैं इसमें। और ये भी इसके तो रेट मुझे से बताऊं अच्छे से याद भी नहीं है, पर ये भी 1000 से कम का ही हैगा। और इसके साथ एक मांग टीका ये वाला,
यहाँ से अटका हुआ है, देखो ये वाला इसके साथ है मांग टीका। तो इसको आप एक तो देखो पिंक कलर पे, पीच कलर पे तो चलेगा, आप इसको व्हाइट वाले उस पर भी पेयर कर सकते हो व्हाइट ड्रेस के साथ। अभी जिसको हैवी लुक नहीं करना तो सिर्फ ये है कि कान के और ये जो भाई मांग टीका, आप इसको यूज करके अच्छा लुक दे सकते हो, बहुत अच्छी है। ये भी 800-900 की रेंज में ही होगा, ज्यादा उस रेंज में नहीं है। अच्छा अब दिखाती हूँ, ऐसे तो छोटे मोटे 200-300 तक ऐसे तो बहुत है कि ये है, जैसे गोल्डन में ये भी बिल्कुल सिंपल। उसमें कई बार ये होता है कि भाई हमें हैवी नहीं पहनना होता, बिल्कुल हल्का पहनना होता, तो उसके लिए भी अच्छा है ये। शायद मेरे ख्याल से 100 या 150 रुपए का, ये ज्यादा का नहीं है। तो ये भी एक देखो कितना अच्छा लग रहा है। सस्ती चीज ये है कि भाई हम 2-4 बार डाल लेते हैं, उसके बाद वो खराब भी हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता, पर ये मेरी खराब नहीं हुई है। वो गोल्डन वाला जो दिखाया था मैंने, वो 4 साल हो गए। एक ऐसे ही ये है जो ये गर्लसरी होती है ना, ये हमारी देशी भाषा में बोल दे पे गर्लसरी की तरह लुक देता है ये, बिल्कुल ऐसे कर देना चिपका गोल्ड उसमें। देखो ये है ऐसा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ 200 या 250 रुपए का है, उससे ज्यादा का नहीं है। उसके बाद दिखाती हूँ आपको एक और, ये भी गोल्ड उसमें ही आएगा देखो, और बिल्कुल बिल्कुल कोई इसको तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता कि ये गोल्ड है या नहीं है। देखो आप, और ये देखो एक ये भी, इसको तो कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि भाई ये गोल्ड है या नहीं है, कहते हैं ना सस्ता टिका। और ये भी 700-800 या 500-700-800 के रेंज में ही है, क्योंकि इसको भी काफी दिन हो गया है, 4 साल के करीब हो गई इसको। और इसके साथ इयररिंग्स देखो आप कितने अच्छे हैं, आप इसको सिंगल भी डाल लोगे ना कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये गोल्ड है या नहीं है। तो आज के टाइम में ऐसी ही ज्वेलरी आपको खरीदनी चाहिए, ये नहीं कि भाई मोस्टली कलर पर खरीदो, होने चाहिए कलर्स भी, पर इयररिंग्स जो पूरा सेट आप खरीदो तो आप यही कोशिश करा लो इस तरह का खरीदे कि जो हमारी मोस्टली ड्रेस पे चल जाए। और उसके बाद फिर से आपको दिखाती हूँ एक और, है ना। हाँ आप ज्वेलरी खरीदते हो ना तो उनको अच्छे से पैक करके रखा करो, क्योंकि अगर आप पैक नहीं करके उनकी केयर नहीं करोगे ना तो वो खराब हो जाएंगे। एक इसी तरह से ये वाला देखो आप, ये बहुत ट्रेंड में आया था ये डिजाइन भी, साल दो दो 3 साल पहले गिन्नी वाला, और इसको गोल्ड में भी बनवाया होगा भाई कईयों ने, पर देखो लग रहा है ना ये भी बिल्कुल गोल्ड की तरह। और इनका ये फायदा है कि भाई किसी भी ड्रेस पर डाल लो उसी पर चल जाएंगे। और इसके साथ इयररिंग्स भी है, इयररिंग्स कुछ खास नहीं है पर अच्छे हैं, अगर गले का अच्छा है तो भाई इयररिंग्स ये हम वैसे डेली उसमें भी डाल सकते हैं, कहीं जाना होगा तो बिल्कुल छोटे छोटे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। और भाई एक है मेरे पास ये, बहुत हो गया हमारे पास भाई थोड़ा सा, ये तो हमारे ऐसे होंगे जो हमारे हैवी ड्रेस पे चलेगा, ये कुछ इस टाइप का है ये वाला देखो मल्टी शेड में। और ये खरीदा था मीशो से, खरीदा था 1.5 साल पहले, 200-250 का था शायद ये। और ये भी क्योंकि जो सिल्वर वर्क है ना ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो इस तरह की ज्वेलरी होती है ये भी आप देखोगे कि किसी भी ड्रेस पे डाल लो, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना। तो इसके साथ इयररिंग्स हैंगे एक कलर में ये वाले, और एक है मेरे पास ये भी मैंने मीशो से खरीदा था। इसका आप रेट देखोगे ना 110 रुपए का था शायद, 110 या 120 का, या 100 से कम भी था शायद, 90 या 100 का अराउंड इतना ही था। पर ये भी बहुत अच्छा लगा है ब्लैक पे, जिसको सिंपल लुक दे रहा है। कई बार हम ऐसे सूट या ड्रेस डाल लेते हैं उस पर हैवी ज्वेलरी नहीं चाहिए, तो आप उस पर ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। इयररिंग्स इनके साथ है ना बहुत छोटे छोटे हैं ये। और एक ये मैंने खरीदा था भाई लोकल, मैं अपने घर गई हुई थी, जो गली में ये फेरी वगैरह लगाने वाले नहीं हुए थे तो ये मैंने उनसे खरीदा था। देखो ये भी 200-250 का था, पर उसने ना स्टार्टिंग में इसकी रेंज इतनी हैवी बोल दी थी कि ये तो 700 का 800 का, मगर आंटी ये तो 200-300 में मुश्किल मिल जाएगा या 150, तो याद नहीं मेरे को। पर देखो ये है थोड़ा सा बड़ा, ये ऐसे यहां तक आएगा, ज्यादा मतलब गले का चिपकेगा नहीं, ज्यादा नीचे नहीं, पर मीडियम साइज में है। उसके बाद भाई मेरे पास एक येलो, ये भी चोकर की तरह है देखो, ये भी कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये जैसे हल्दी का फंक्शन था मेरी ननद का, तो उसके लिए मैंने खरीदा था येलो ड्रेस पे, और ये भी 100 या 150 रुपए का था, ज्यादा का नहीं था। इसके साथ ईयर रिंग्स भी थे, ईयर रिंग्स काफी अच्छे थे इसके, देखो ऐसे गोल कुंडल की तरह।
और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने कॉटन में कवर करके रखा हुआ है इसको, क्योंकि ये भी मेरा इतना फेवरेट है। और इसको है ना, आप यकीन नहीं करोगे, ये हो गया मेरे पास कम से कम, इसको हो गए है सात आठ साल के करीब हो गया है। देखो, और बोल देते हैं ना कि व्हाइट जो चीज होती है वो ब्लैक पड़ जाती है, पर ये बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे रखा हुआ है मेरे पास। देखो कितना अच्छा है, ये मेरी रिंग सेरेमनी की साड़ी थी ना, तो उसमें व्हाइट मोतियों का वर्क है, मुझे अपने देवर की शादी में वो डालनी थी उस टाइम पे। हाँ लगा लो, आठ साल हो गए इसको कम से कम। तो मुझे, मैंने ये उस पर खरीदा था क्योंकि उस पर गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसमें व्हाइट वर्क था सारा। ये इसके साथ खरीदा था मैंने ये, और ये था शायद 1100 का, 1100 या 1000 या 1200 कुछ इस रेंज में था। और आज तक ये ऐसे कैसे है, क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल पूरी रेडी होकर जब ज्वेलरी पहनती हूँ, और जब ही पहननी चाहिए पूरी रेडी होने के बाद, और सबसे पहले हम घर आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले ज्वेलरी निकाल के रखें, क्योंकि फिर वो खराब नहीं होती। और इसके साथ ये इयररिंग्स देखो कितने अच्छे हैं, है ना, वाइट उसमें। और इसके साथ है ना, मैंने एक टिक्का भी खरीदा था अलग से, पर वो पता नहीं कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा, उसको भी मैं ढूंढूंगी। इसके साथ मैंने, इसके साथ नहीं था टिक्का, तो इसके साथ खरीदा था मैंने अलग से, ये 1100 के करीब था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो मैं इसको ऐसे कॉटन में कवर करके इसको जब रखती हूँ, ऐसे ही आप अगर कवर करके रखोगे ना तो आपके भी खराब नहीं होंगे। ऐसे ही मेरे पास एक मल्टी कलर में माला, ये तो सही बताऊं ये भी कम से कम 6-7 साल हो गए, मैंने डाली शायद एक दो बार होगी, पर ये है कि लड़कियों की अच्छी लगती है ये वाली। ये मैंने खरीदी थी सदर बाजार से, और पूरे दर्जन के रेट मिला था ना, तो एक ये थी इसके साथ, इसके साथ थी ये दो कलर। ये तो शायद मैंने डाली भी है, देखो सिंपल लुक देना हो गई, कई बार ऐसा हो गया है या हम कहीं घूमने भी जाना हल्का सा पहनना हो तो ये ऐसा। एक है येल्लो कलर में, फिर से एक ये, इस पे ये बना हुआ है इतना सुंदर सा मोर, देखो आप, है ना। और ये भी येलो कलर में ही है, ये कुछ ऐसा है। ये भी आपको बोल रही हूँ कि हम जब भी कोई चीज खरीदे एक बार दो बार, लेकिन अगर हम कोई हैवी ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कोशिश करो मल्टी शेड में खरीदो। इसके साथ ये से ये, सो लास्ट, कैसा लगा आपको मेरा ये ज्वेलरी का कलेक्शन? अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं आपके लिए ऐसी आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी। और अभी मैंने सिर्फ आपके साथ अपने जो ये भाई ज्वेलरी कलेक्शन है वो से किया है शेयर। मेरे पास इयररिंग्स भी, अगर आप चाहते हो वो देखना कि भाई मेरे पास कैसे कैसे कलेक्शन है इयररिंग्स के, तो प्लीज कमेंट करके बताना। और आप अगर कमेंट करोगे तो मैं, और आप क्या चाहते हो, मतलब कौन सी वीडियो है जो ऐसी जिसमें भाई आप देखना चाहते हो भाई सूट की कलेक्शन है या मेरे स्लीपर्स का कलेक्शन है जो, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज कमेंट करना। एट लास्ट प्लीज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।